नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। ये है जगत के स्वामी जगन्नाथ और ये है उनकी नगरी जगन्नाथपुरी। हर साल यही निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा और हर साल यही लगता है लाखों करोड़ों भक्तों का मेला। ये परंपरा है विश्वास की, ये परंपरा है भक्ति की, ये परंपरा है शक्ति की जो सदियों से निभाई जा रही है। भगवान जगन्नाथ का धाम जितना रहस्यों से भरा है, हर साल उनकी निकाली जाने वाली भव्य रथ यात्रा भी देखे कम चमत्कारी नहीं है। दुनिया भर से लोग यहाँ जुटते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा को खींचने के लिए। जब मंदिर से रथ यात्रा चलती है तो जय जगन्नाथ जय बलदाऊ के जय घोष से सारा आकाश गूंज उठता है। आगे आगे पुरी के महाराज चलते हैं और उनके साथ रथ की रस्सियों को थामे भक्तों का हुजूम भी चलता है। भक्तों का हुजूम ऐसा उमड़ता है कि मंदिर से गुड़ीचा धाम तक पैर रखने तक ही देखिए जगह नहीं मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ की जिस भव्य रथ यात्रा को विश्व की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, उसे सदियों से एक भक्त की शक्ति रोकती आई है। जी हाँ, हम बात उस मजार की कर रहे हैं जहाँ आकर रथ के पहिए अपने आप रुक जाते हैं। ये मजार है प्रभु जगन्नाथ के अनन्य भक्त साल बेग की। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस मजार के आगे रुकती है और यहीं से जब भक्त साल बेग के जयकारे लगाते हैं तब जाकर रथ यात्रा आगे बढ़ती है। भगवान जगन्नाथ का इस मजार से और मजार का साल बेग से क्या रिश्ता है, आइए आपको बताते हैं। ये उन दिनों की बात है जब भारत पर मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर कुली खान एक वर्ष के लिए बंगाल के सूबेदार थे। उन्हें लाल बेग के नाम से भी जाना जाता था। ओडिशा में अपने एक सैन्य यात्रा के दौरान उन्हें एक ब्राह्मण विधवा से मोहब्बत हो गई और इस महिला से उन्होंने शादी कर ली। दोनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम साल बेग रखा गया। अपनी माँ के साथ नजदीक से रहने वाले साल बेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पंथ का रुख किया क्योंकि उनकी माँ भगवान की अनन्य भक्त थी। तो मुगल सेना की पैतृक छाया में पले बड़े एक युवा मुसलमान साल बेग को भगवान जगन्नाथ के प्रति गहरी भक्ति विकसित करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा। उनकी भक्ति की गाथाएं आज भी असंख्य भजनों और गीतों में जिंदा है जिन्होंने भगवान के अनुष्ठानों के प्रदर्शनों में एक अहम जगह बनाई है। लेकिन साल बेग इस बात को लेकर बहुत दुखी थे कि उन्हें अलग समुदाय की वजह से अपने ही भगवान को पूजने के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। कहा जाता है कि अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण में उन्होंने वृंदावन में कम से कम एक वर्ष का समय बिताया। कहते हैं जब साल बेग रथ यात्रा में शामिल होने के लिए वापस ओडिशा आ रहे थे तब वे बीमार पड़ गए। तब उनके शरीर ने लगभग जवाब दे दिया था और तब उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि कम से कम एक बार वो उन्हें दर्शन करने की अनुमति दें। भगवान की स्तुति में गाए जाने वाले सैकड़ों गीत और भजन साल बेग के अटूट विश्वास और धैर्य को प्रकट करते हैं। तब उनकी आत्मा से निकली आवाज ने भगवान जगन्नाथ को हिलाकर रख दिया। जब यात्रा शुरू हुई तो भगवान का रथ साल बेग की कुटिया के सामने आकर रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। ऐसा माना जाता है कि वो आवाज साल बेग की अंतर आत्मा की आवाज थी जिसकी वजह से रथ को रोकने की दैवीय मंजूरी मिली। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ ने अपने कट्टर भक्त के पास जाकर उसे अपने रथ के नीचे आकर पूजा करने की अनुमति दी। साल बेग को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा है और आज भी ये परंपरा निभाई जा रही है। तो जब जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, उनके भक्त साल बेग की मजार पर ये रथ यात्रा रुकती है, वहाँ रुकी जाती है, यहाँ बाबा साल बेग के आगे करोड़ों भक्तों का शीश भी झुकता है और साल बेग के जयकारे लगते हैं और उसके बाद जाकर जगत के स्वामी जगन्नाथ की रथ यात्रा आगे बढ़ती है। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो अपने भक्तों में भेदभाव करना नहीं जानते हैं।